दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत लोग करते हैं आज के डेट में, शायद आप भी करते हो। अगर आपको शौक है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा एक प्रोसेस जिसके ज़रिए आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऑनलाइन शॉपिंग करने पर। तो मिस मत कीजिए, वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों, 1-2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टैबजो एप्लीकेशन को लेकर, और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप उस एप्लीकेशन के ज़रिए कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे टैबजो एप्लीकेशन के अंदर, और जिसके ज़रिए आप रिचार्ज वगैरह, बिल पेमेंट या फिर उस पॉइंट को बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कैश करो के बारे में। कैश करो के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, कैश करो डॉट कॉम, और शायद आप लोग में से बहुत लोग, कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे, लेकिन बहुत लोग को पता है इस वेबसाइट के बारे में लेकिन लोग यूज़ नहीं करते। तो आपको मैं बताऊंगा इस वेबसाइट को यूज़ करके आपको फ़ायदा क्या हो सकता है। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर वहाँ से रजिस्टर करोगे तो शायद आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो एक रेफर लिंक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई भी ऑनलाइन कुछ भी प्रोडक्ट करना है, परचेस करना है, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या स्नैपडील से, ऑलमोस्ट आपको जहाँ जहाँ से आप शॉपिंग करते हो सभी ई कॉमर्स साइट इनके कैश करो डॉट कॉम से टाई अप है। तो जहाँ से आपको शॉपिंग करना है, मान लीजिए आपको अमेजोन से कुछ शॉपिंग करना है, तो रजिस्टर करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करोगे एक्टिवेट रिवॉर्ड्स में, ठीक है, विजिट रिटेलर, वही ऑटोमेटिकली डेडिकेट कर देगा आपको अमेजोन की वेबसाइट पर। ठीक है, ये खुल गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। आप मान लीजिए मैं ओपन करता हूँ, ये मुझे ये परचेस करना है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि आपका ये जो आइटम है आपके वेस्ट लिस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए, विश लिस्ट में, और ना ही कार्ट में। जैसे ये मैंने कार्ट में ऑलरेडी ऐड कर रखा है, अगर आप कार्ट में ऐड करके रखोगे तो इसका आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। तो आपको अगर यही प्रोडक्ट परचेस करना है, आपने बहुत ढूंढ ढूंढ के एक कोई भी प्रोडक्ट आप चॉइस करते हो, और चॉइस करने के बाद अगर आपको पसंद आए, तो बहुत लोग करते हैं कि कार्ट में ऐड कर देते हैं या फिर विश लिस्ट में ऐड कर देते हैं कि उस चीज़ को आप बाद में देख कर परचेस करोगे। तो यहाँ पर कीजिए, आप डिलीट कर दीजिए सबसे पहले, अगर आपको शॉपिंग करना है वही प्रोडक्ट, और जो आप आइटम आपको परचेस करना है उसका नाम कॉपी कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, और ये जो रेडिकट किया था अभी कैश करो डॉट कॉम से अमेजोन पे आया है, यहाँ पर आप सर्च कर दो, अब वही प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से आप परचेस कर लीजिए। अब इस तरीके से परचेस करोगे तभी आपको कैशबैक मिलेगा। अब आपको अमेजोन की वेबसाइट में जो आपको कैशबैक मिलेगा, जो भी डिस्काउंट है, वो तो आपको मिलेगा ही। जैसे यहाँ पर कुछ ऑफर है, जैसे 2,399 रुपये का था, और अभी स्पेशल ऑफर है 2,115 रुपये का, ठीक है। और अगर अगर आप अमेजोन पे बैलेंस से पे करते हो तो आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ये तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसका आपको 7 से 8% कैशबैक आपको कैश करो डॉट कॉम पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने कुछ दिन पहले एक अमेजोन से प्रोडक्ट परचेस किया था जिसका अमाउंट शायद 400 कुछ रुपये था, मैं आपको दिखा देता हूँ माई अर्निंग में, और ये है रिवॉर्ड अर्निंग, ठीक है, 30 रुपये। अब नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए 6 फरवरी 2018 को अमेज़न इंडिया से 457 रुपये का मैंने एक ऑर्डर किया था, और 457 रुपये से मुझे 30 रुपये का कैशबैक मिला है कैश का रुपये। ये अभी भी पेंडिंग है क्योंकि मुझे ये मेरा प्रोडक्ट अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, तो जैसे मुझे डिलीवर हो जाएगा तुरंत ये कैशबैक मुझे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस पैसे को यहाँ पे क्लिक करके रिक्वेस्ट रिवॉर्ड पेमेंट्स, इस पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके मिनिमम 250 रुपये होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा, एक मतलब आपका बेनिफिट वाला वेबसाइट है, और सबसे
अगर आपको ट्रस्ट वाली बात है तो रतन टाटा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर, आप गूगल वगैरह करके हम देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से कोई भी मैगज़ीन ख़रीदते हो मैगट्रस से, ये रहा, और अगर आप यहाँ से कोई भी मैगज़ीन परचेस करते हो 999 रुपये का, आपको मैगज़ीन तो मिलेगा ही लेकिन उसके साथ साथ आपको 100% से भी ज़्यादा 1,050 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, और उस कैशबैक को आप NEFT के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक ऑप्शनल, 50 रुपये के लिए आप मैगज़ीन ख़रीदो और उसके बाद पैसे को ट्रांसफ़र करो, वो आपकी मर्ज़ी है आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करना है नेक्स्ट टाइम, तो डायरेक्टली उस वेबसाइट में, ई कॉमर्स वेबसाइट में विज़िट ना करके आप पहले कैशकरो.com पे विज़िट करो और इनके ज़रिए शॉपिंग करो। मान लीजिए आपने कोई भी 10,000 रुपये का शॉपिंग किया है, ठीक है, अब अमेज़ोन फ्लिपकार्ट या स्नैपडील में जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको 7 से 8% का कैशबैक कैशकरो में मिलेगा, जिसका वैल्यू 700 से 800 है। अब ये 700-800 रुपये आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो बैंक अकाउंट में, तो फ़ायदा तो आपका ही है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मुझे उम्मीद है आप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में आप लोगों के लिए रोज़ाना लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।